दिल्ली, यूपी, पंजाब समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में आज सुबह न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री लुढ़क गया। मौसम विभाग ने ठंड को देखते हुए दिल्ली समेत 6 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य शामिल हैं। दिल्ली का पारा प्रत्याशित रूप से 2.5 डिग्री तक लुढ़का है। न्यूनतम तापमान लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस बार ठंड का सीजन दिल्ली की बात की जाए, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, पंजाब, इन सभी राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। शीत वेव्स यानी कि कोल्ड वेव्स लगातार जारी है, जिसके चलते ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ा है। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां की गई हैं और लगातार बर्फबारी और फिर ठंडे मौसम ने कई सालों का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इस बार दिल्ली की ये सुबह सवेरे की तस्वीरें देखिए, ठंड बढ़ने के साथ कोहरा भी बढ़ता चला जा रहा है। लुधियाना की तस्वीरें, यहां पर भी ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए लोग साफ नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह कि कुछ मामलों में जहां 18 से 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो कुछ मामलों में इस ठंड ने 118 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा है। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले दिनों में कोई राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अभी जनवरी का पहला हफ्ता भी इसी तरीके से पूरी तरह से शीत लहर की जो चपेट है पूरे उत्तर भारत में नजर आएगी। इससे अभी फिलहाल तो बचा नहीं जा सकता। तो ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात करें, बल्कि यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की बात की जाए तो पूरा उत्तर भारत लगभग ठंड की लहर की चपेट में। ये तस्वीरें साफ इस बात को बयां कर रही हैं कि ठंडे मौसम ने लगातार रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। 2.5 डिग्री टेम्परेचर फिर लुढ़का है दिल्ली में। कड़ाके की ठंड लगातार जारी है और मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना कि अगले हफ्ते तक राहत मिलने के आसार नहीं है। और हो सकता है कि जब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं शुरुआत होगी इसकी, हो सकता है 10 से 12 जनवरी तक हालात इस तरीके के बने रहें, सूरज देवता के दर्शन कम ही हों। ठंड में फिर अलाव का सहारा लेना जरूरी हो गया है। कई जगहों पर रैन बसेरों का इंतजाम है और यहां पर औचक निरीक्षण, यूपी की खास तौर पर बात की जाए तो यूपी में मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी रैन बसेरों में औचक निरीक्षण पर निकले थे। लगातार कंबल बांटे जा रहे हैं, ठंड से बचाने के लिए हिदायतें जारी की जा रही हैं।